नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे 1 सितंबर 2021 के दिन सुजालपुर मंडी में लहसुन और प्याज ऊपर में कहां तक देखने को हमें मिले हैं। दोस्तों तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। नीचे रेड बटन को दबा के दोस्तों और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें सुजालपुर मंडी, इंदौर मंडी, किसी भी मंडी का, तो आप लोगों तक वो वीडियो अवश्य पहुँच जाए। दोस्तों तो चलिए जान लेते हैं क्वालिटी अनुसार प्याज और लहसुन के भाव। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम लहसुन की बात करते हैं तो आज लहसुन ऊपर में 6,650 रुपये बिका है। अगर हम एवरेज भाव की बात करते हैं दोस्तों तो 5,500 रुपये से लेकर 6,200 रुपये एवरेज भाव लहसुन का सुजालपुर मंडी में आज देखने को मिला है। दोस्तों अधिकतम भाव आज का 6,650 रुपये रहा है सुजालपुर मंडी का। तो चलिए दोस्तों प्याज की बात कर लेते हैं। अगर हम प्याज की बात करते हैं दोस्तों अधिकतम भाव 1,650 रुपये, मतलब 1,650 रुपये प्याज का अधिकतम भाव हमें देखने को मिला। वहीं एवरेज भाव की बात करते हैं तो 1,200 रुपये से लेकर 1,500 रुपये तक एवरेज भाव सुजालपुर मंडी में प्याज का हमें देखने को मिला है। दोस्तों अधिकतम भाव 1,650 रुपये रहा है प्याज का। और दोस्तों बात करते हैं अगर हम इस प्याज और लहसुन के भाव में थोड़ी जो हमें नरमी देखने को मिल रही है, जैसे लहसुन 7,000 तक पहुंच गया था सुजालपुर मंडी में, वहीं प्याज भी 1,800 रुपये के आसपास हमें कई दिनों से देखने को मिल रहा है। सो 200-300 रुपये की जो कमी आई है दोस्तों, इसका सीधा सीधा कारण है इंदौर मंडी में जो हड़ताल चल रही है दोस्तों पिछले दिनों से, वो ट्रांसपोर्टेशन और व्यापारी के बीच कुछ उसी वजह से प्याज और लहसुन में हमें थोड़ी 200-300 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। जैसे ही वो हड़ताल ख़त्म होगी दोस्तों, फिर से प्याज 1,800, लहसुन 6,500 से 7,000 के बीच में हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों। और दोस्तों बहुत से लोग कमेंट करते हैं आप गलत जानकारी देते हो, तो आपको मतलब कैसा लगता है, हमारी जानकारी सही लगती है, सटीक लगती है या नहीं लगती, हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। क्योंकि कोई भी लोग कमेंट कर देता है कि गलत जानकारी देते हो तो फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता, अच्छा नहीं लगता। यदि आपकी तरफ से मोटिवेशन मिलेगा, आप हमें लगेगा कि हम सही जानकारी आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो सफल हो रही है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएँ और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल और एक और नई वीडियो के साथ।